हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। ये देखिए, मैं बहुत ही प्यारी कैप लेके आई हूँ। ये टर्बन बन के आती है, पग बन के आती है, जैसे पगड़ी होती है पगड़ी की तरह बन के आती है। बहुत ही सुंदर लगती है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। ये मैंने 1 साल के बच्चे के लिए बनाई है। ये देखिए, 3-4 महीने से लेकर के 1 साल के बच्चे तक बड़े आराम से ये साइज आ जाएगा। इसको बनाने के लिए मैंने 105 फंदे लिए हैं, 105। तो इसमें मैंने, ये देखिए, यहाँ से इसको मैंने स्टार्ट किया है नीचे से। इसमें यहाँ पे मैंने 6 रोज डाली हैं, 6 सिलाइयाँ डाली हैं, उल्टी उल्टी, इधर से भी उल्टी और इधर से भी उल्टी, उल्टी उल्टी 6 सिलाइयाँ डाली हैं। 6 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी डालने के बाद इसमें यहाँ पे 3 धारियाँ आ गई हैं, ये वाली लाइनें 3 आ गई हैं। तो ऐसे ही हमने उसके बाद दूसरा कलर लगाया है, वाइट वाला। उसमें भी मैंने 6 सिलाइयाँ डाली हैं, सीधी उल्टी, यहाँ से देखिए सीधा बन के आया है और नीचे से टोटल उल्टा बन के आया है। तो उसके बाद मैंने जब अगला कलर लगाया है इसमें, तो मैंने इसमें उल्टा उल्टा बनाया है, सीधी साइड को नीचे से सीधा आ रहा है ये देखिए, और ऊपर से उल्टा आ रहा है। ऐसे ही मैंने सेम बनाते जाना है। एक कलर का मैंने सीधा सीधा बनाया, दूसरे का मैंने ऊपर को सीधी साइड को उल्टा उल्टा बनाया है, फिर से ऐसे ही करते जाना है मैंने। जब मेरी ये यहाँ बॉर्डर को साथ लेकर के 1 2 3 4 5 पांच मेरे पिंक कलर हो जाएंगे, और 1 2 3 4 चार मेरे वाइट कलर हो जाएंगे। इतना बनाने के बाद मैं आपको आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा मैंने क्या बताया है। टर्बन बनाने के लिए, यानी कि पगड़ी बनाने के लिए मैंने 105 फंदे मैंने डाल लिए हैं। तो इसको मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। उल्टा उल्टा बनाना है, ये मेरी सीधी साइड है। सीधी साइड से भी मैं उल्टी रो बनाऊंगी और बैक साइड से, उल्टी साइड से भी उल्टी रो बनाऊंगी। ऐसे ही करके मैंने 6 रोज डालनी है, यानी कि 6 सिलाइयाँ डालनी है। चलिए, इसको ऐसे उल्टी उल्टी कर करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। उल्टी उल्टी बना करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट रो मेरी कंप्लीट हो गई है। ये मेरी सेकंड रो है, रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड से भी इसको मैं उल्टा उल्टा बनाऊंगी। ये मेरी सेकंड रो है, ऐसे ही मैं 6 रोज बनाऊंगी, यानी कि 6 सिलाइयाँ बनाऊंगी उल्टी उल्टी करके। 6 सिलाइयाँ बनाने के बाद आगे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मेरी 5 सिलाइयाँ हो गई हैं। ये मेरी 3 लाइनें बन के आ गई हैं, 1 2 3। ये मेरी रॉन्ग साइड है, छठी सिलाई है। जो मेरी 6 रो है, इसमें मैं सेकंड कलर लगाऊंगी यहाँ से, रॉन्ग साइड से। इस पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, ये सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है। अब ये मेरी राइट साइड है। 5 रो मेरी ये हो गई हैं और 6 रो मेरी ये हो गई, जिसमें मैंने सेकंड कलर लगाया है। अब इसको सीधा सीधा बनाना स्टार्ट करेंगे।
जो मैंने सेकंड कलर लगाना है हर बार मैंने रॉन्ग साइड से लगाना है और सीधी साइड से बनाना स्टार्ट करना है। ऐसे ही सीधी उल्टी रो करके मैं 5 रो बनाऊंगी। इसके बाद ये बन हो गई है मेरी, 5 रो बनाऊंगी। ऐसे ही 5 रो बनाने के बाद फिर मैं 6 रो में ब्लू कलर लगाऊंगी फिर से। ये देखिए जैसे मैंने इस ब्लू में ऐसे ही किया है सेम, इसमें मैंने रॉन्ग साइड से ये वाला कलर लगाया है वाइट वाला। और वाइट की देखना, एक तो मैंने यहाँ से कलर स्टार्ट किया है, ये फर्स्ट 1 2 3 4 5, ये 5 रो हो गई हैं। जब 6 रो मेरी आएगी तो मैं फिर से इसमें पिंक कलर लगाया है मैंने, तो ऐसे ही मैं इसको करूँगी सेम। ये देखिए 5 रो मेरी ये हो गई है नीचे, 6 रो में मैंने सेकेंड कलर लगाया है। अब इसकी जैसे ये लाइनें आ रही हैं वाइट वाइट वाली, ऐसी 5 लाइनें मैं काउंट करूँगी, 6 रो को मैं फिर ब्लू कलर फिर से लगाऊंगी। जैसे मैंने इसमें आपको बताया है, इसमें मैंने सेकंड कलर लगाया है, उसके बाद फिर मैं 1 2 3 4 5 सिलाइयाँ इसकी बना करके 6 जो है मेरी सिलाई, इसमें मैं अगला कलर लगाऊंगी। ऐसे ही मैंने बनाते जाना है, मैंने आपको बता रखा है कितने बनाने हैं इसके कलर और इसके कितने बनाने हैं। तो अब मैं ऐसे ही सेम बना करके आपको बताती हूँ। जब मेरे यहाँ तक हो जाएंगे 1 2 3 4 5 कलर हो जाएंगे मेरे ये ब्लू वाले ये वाले, तो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको मैंने सीधा उल्टा ही बनाना है 6 रो, तो आगे ऐसे ही मैं कलर लगाते जाऊँगी और बनाने के बाद मैं आपको देखिए इसकी मैंने 5 लाइन्स से मैंने बना ली है 1 2 3 4 5। अब मैंने यहाँ से इसमें वाइट कलर स्टार्ट कर लिया है। अब देखिए ये देखिए, अब मैंने इसमें से 15 फंदे वाइंड ऑफ करने हैं, बंद करने हैं यानी कि यहाँ से मैं 2 फंदों का 1 फंदा बनाऊंगी, एक घट गया यहाँ पे, फिर से इसमें डाल लिया सिलाई में, फिर से 2 का 1 2 हो गए हैं, 3 4 वापस इसी में डाल के 2 का 1 करते रहना है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ये देखिए ये 15 फंदे मेरे घट गए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं 7 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे मेरे बन गए हैं। यहाँ पे मैं 2 फंदों का 1 फंदा बनाऊंगी, फिर से 7 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 फिर से 2 फंदों का 1 फंदा बनाऊंगी, फिर से 7 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 2 फंदों का 1 फंदा बनाऊंगी, फिर से 7 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 2 फंदों का 1 फंदा बनाऊंगी। ऐसे ही इस पूरी रो को कंप्लीट करूंगी। लास्ट में जाकर के फिर से मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए इस रो के हम लास्ट में पहुँच गए हैं, यहाँ पे मैंने 2 का 1 कर लिया है, 7 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 2 का 1 कर दूंगी, फिर से 7, 1 2 3 4 5 6 7 ये देखिए 7 फंदे मैंने बना लिए हैं। लास्ट में मेरे 2 फंदे बच गए हैं, इन 2 फंदों का मैं 1 फंदा बना दूंगी।
ये मेरी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से पूरी रो को मैं उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट करूँगी। इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी, कोई फंदा इसमें मैं घटाऊँगी नहीं, इसको मैं ऐसे ही बनाऊँगी। इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना करके कंप्लीट कर लूँगी। आगे फिर से मैं सीधी साइड से आपको एक बार घटा के बताऊँगी। ये देखिए उल्टी साइड से मेरी पूरी रो कंप्लीट हो गई है। ये मेरी राइट साइड है। पहले मैंने 7 फंदे बना करके 2 का 1 किया था, अब मैं 6 फंदे बनाऊँगी। एक फंदा हमारा घट गया है। 1 2 3 4 5 6 2 फंदों का 1 फंदा कर दूंगी। फिर से 6 फंदे बनाऊंगी। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे फिर से 2 फंदों का 1 फंदा कर दूंगी। ऐसे ही पूरी रो को हमने बना करके कंप्लीट करना है। पहले हमने 7 फंदे बनाए थे, अब हम 6 फंदे बनाएंगे, उसके बाद 5 4 3 2 1। जब 1 पे आ जाएंगे तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ क्या करना है। चलिए हम ऐसे ही बनाते जाते हैं इसको। ये देखिए मैंने 7 फंदों से घटाना स्टार्ट किया था, 7 6 5 4 3 2, अब 1 रह गया है मेरा फंदा। ये देखिए 1 फंदा बना करके मैंने 2 का 1 किया है। फिर से 1 फंदा बनाया है, यहाँ पे फिर से मैंने 2 का 1 किया है। 1 फंदा बना लिया, 2 का 1 कर लिया, 1 फंदा बना लिया, 2 का 1 कर लिया। ऐसे ही इस पूरी रो को मैं कंप्लीट करूँगी, उल्टी रो उल्टी बनाऊँगी। लास्ट में एक बार फिर से मैं आपको बताऊँगी लास्ट वाली सिलाई। मेरी लास्ट रो में घटाना है मैंने, जो बीच में 1 1 बचा है उसको मैं 2 का 1 करते जाऊँगी। अब इस पूरी रो में लास्ट में मैंने 2 का 1 करते जाना है। अब एक रो में उल्टी बनाऊंगी, उसके बाद इसको बंद करना बताती हूँ। ये उल्टी रो को उल्टी बनाऊंगी। रॉन्ग साइड से पूरी रो को मैंने उल्टा बना लिया है। अब इसको मैंने धागे को कट कर दिया है। कट करने के बाद इसको मैंने निडल में डाल लिया है, सुई में। अब देखिए इन फंदों को सुई में ले लूँगी मैं, सिलाई में से निकाल करके। ये देखिए वैसे इसको खींच दूँगी। इसको यहाँ पे नॉट कर दूंगी, 1-2 बार निकाल के धागे को ऐसे। अब देखिए ये यहाँ तक हमारी कैप बन करके रेडी हो गई है। अब हम क्या करेंगे इसको, यहाँ से हमने 15 फंदे घटाए थे, यहाँ तक मैं इसको सिल लूँगी ऐसे। यहाँ तक इसको मैं सिल लूँगी। मैं सीधी साइड से सिलती हूँ, मैं उल्टी साइड से नहीं सिलती। जैसे आप सिलना चाहते हो वैसे आप सिल सकते हो। ऐसे कलर के साथ कलर मैच करके इसको सिल देना है।
इसको यहाँ पे नोट कर देंगे। सील करके कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस ये देखिए जो जो उल्टी वाली लाइनें हैं हमारी, इसको हम ऐसे उल्टे उल्टे फंदों को सुई में लेते जाएंगे ऐसे। ये सीधे वाले हम कुछ नहीं करेंगे और उल्टे वाले फंदे जो हैं इनको हम सुई में लेकर के ऐसे जितनी लाइनें हमारी उल्टी उल्टी ऊपर को उठी हुई हैं इनको हम सुई में पिरो लेंगे ऐसे। इसमें पिरो करके इसको थोड़ा ऐसे टाइट कर देंगे, ऐसे इकट्ठा कर देंगे इसको टाइट करके, और इसको हम यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हमने सिलाई ख़त्म की है इसकी कैप की, यहाँ से यहाँ पे इसको हम सेट कर देंगे ऐसे सुई के साथ अच्छे से। इसको हम यहाँ पे सेट कर देंगे, एक दो बार धागा निकाल करके इसको नॉट कर देंगे अच्छे से ऐसे। ये हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब देखिए यहाँ से हमने ये 15 फंदे घटाए हैं, इसको भी हम ऐसे यहाँ से लेकर के सीधा, यहाँ हमारे घटा करके ख़त्म हुए हैं यहाँ पे फंदे, यहाँ से हम इसको ये जो लाइनें ऊपर ऊपर को उठी हैं उल्टे उल्टे फंदों की, इसको हम ऐसे इसमें पिरोते जाएंगे ऐसे। ये देखिए अब इसको हम टाइट कर देंगे ऐसे। ये देखिए इसको हमने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद इसको हम थोड़ा घुमा लेंगे ऐसे, ऐसे घुमा लेंगे इसको ऐसे घुमा करके, जो हमने पहले रखा है ये वाला, ये वाली साइड इसके ऊपर इसको सेट कर देंगे ऐसे टाइट करके, इसको ऐसे घुमा करके इसके ऊपर ऐसे सेट कर देंगे ऐसे। ये देखिए अब इसको यहाँ पे हम नॉट कर देंगे अच्छे से दो चार टांके अच्छे से लगा दीजिए इसको। ये देखिए अब इसको यहां से नोट करके बंद कर देंगे हम बैक साइड से ऐसे। ये देखिए ऐसे बनकर के ये हमारी पगड़ी रेडी हो गई है। ये देखिए ऐसे बन के आएगी। इसके ऊपर अब हम फैंसी बटन लगाएंगे, यहाँ पे कोई ब्रॉच भी लगा सकते हो, और अगर आपके पास जैसा भी कोई बड़ा बटन है या छोटा बटन है उसको यहाँ पे लगा सकते हो डेकोरेट करने के लिए। जो ये धागे हैं इनको आप अंदर की साइड सुई में डाल करके इसको बीच में सेट कर दीजिए। यहाँ पे अगर आप करना चाहते हो तो आप क्रोशिया के साथ बीडिंग कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, जैसे भी आपने इसको डेकोरेट करना है वैसे आप कर सकते हो। ये देखिए बहुत ही सुंदर पगड़ी बन के आई है हमारी, बहुत ही सुंदर लगती है ये देखिए। इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये पगड़ी वाली कैप बनाने का तरीका आपको मेरा पसंद आया हो। अगर ये मेरा तरीका पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। इसी तरह नए नए डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।